गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्ट्रेस और स्ट्रेन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस के बारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन में क्या होता है? व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी बॉडी पर अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, देयर इज सम चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी डायमेंशन में, जो शेप की डायमेंशन है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी एंड टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। होगा क्या, दोनों के बीच का रेशो, किस किस के बीच का रेशो, चेंज इन डायमेंशन ऑफ बॉडी, मतलब जैसे हमने किसी भी बॉडी के ऊपर ये है, मैंने इस पर फोर्स लगाया, मैंने इसको खींचा, तो होगा क्या, यहाँ पर इसमें कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, तो ये जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और किसके बीच का रेशो, ओरिजिनल लेंथ, तो दोनों के बीच का जो रेशो होगा वो हमारा स्ट्रेन होगा। क्लियर है? अगेन समझिए, जैसे मैंने क्या किया, ये इस पर फोर्स लगाया, ये अब इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको फोर्स लगाने के बाद देखा तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई पहले से आगे, तो ये क्या हुआ, डेल्टा L, दैट मीन चेंज इन लेंथ अपॉन L, दैट मीन ओरिजिनल लेंथ और जितनी भी लेंथ में चेंज हुआ है, इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा, इन दोनों के बीच में जो रेशो होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेन होगा। क्लियर है? दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो जो उसमें कुछ चेंजेस होगा उसकी लेंथ में, हो सकता है कि वो इंक्रीज हो सकता है वो डिक्रीज हो, तो उन दोनों के बीच का जो रेशो होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रेन होगा। इसी के बाद अगर हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की जो स्ट्रेन से रिलेटेड हैं, सबसे पहले होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लीनियर, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर भी कह सकते हैं। स्ट्रेन दैट चेंज द लेंथ, मतलब अगर हम बात करेंगे कि स्ट्रेन, वो स्ट्रेन जो चेंज करे लेंथ ऑफ ए लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, क्या करे, अगर उसमें क्या होगा, उसमें चेंज हो, ठीक है, तो चेंज हो उसकी लेंथ में और किसी भी डायरेक्शन को चेंज किए बिना, वो क्या होगा, हमारा लीनियर स्ट्रेन होगा। कंप्रेसर में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट शॉर्टन एंड ऑब्वियस, इसमें क्या होगा, कंप्रेस, इसमें क्या कर रहे थे हम, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे, कंप्रेसर में क्या होगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, और टेंशन में क्या होगा, लेंथन द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, शॉर्टन होगा और उसमें लेंथन होगा, इसमें बढ़ जाएगा और इसमें कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो तरह के हो गए आपके लॉन्गिट्यूडनल लीनियर स्ट्रेन में, कंप्रेशन आ गया और टेंशन स्ट्रेन आ गया। इसके बाद हम बात करें शीयर स्ट्रेन के बारे में। शीयर स्ट्रेन में क्या होगा, शीयर दैट चेंज द एंगल ऑफ, इसमें क्या होगा, हम एंगल चेंज हो जाएगा शीयर में, अगर आपका ये है कोई भी बॉडी ये है, ठीक है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद, मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर आपने फोर्स लगाया, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये जितना भी एंगल ये चेंज हुआ है थीटा, ये एंगल जो चेंज हुआ है ये हमारा किस में आएगा, शीयर स्ट्रेन में। दैट चेंजेस एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंस टू रोटेट, ठीक है, इससे क्या होगा, रोटेशन में आ जाएगा, जैसे ये हो गया तो ये रोटेशन में आ गया, तो इसमें मैक्स मेन आपका जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग शेयर स्ट्रेन ही आपका मेन है, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में, एक होता है टेंसाइल, दूसरा होता है कंप्रेसिव, तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक और शेयर स्ट्रेन। क्लियर है? अभी इन चारों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डेल्टा रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्ट पुल और टू ए पुल फोर्स, अगर हम उसमें कुछ फोर्स लगाते हैं, पुल करते हैं दोनों साइड से, तो क्या होगा, उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो द रेशो बिटवीन चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, यही तो हो गया, जितना लेंथ में चेंज हुआ था वो क्या हो गया, डी एल डिवाइडेड बाई एल, दैट मीन्स जितना लेंथ में चेंज हुआ है उसका रेशो किसके बीच में, ओरिजिनल लेंथ के बीच में, ठीक है। कंप्रेसर में क्या होगा, इसमें तो हम क्या कर रहे थे, उसको खींच रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, उसमें डिक्रीज होगा, लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें लेंथ का डिक्रीमेंट होगा, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी कंप्रेस करने से, तो यहाँ पर जितनी भी उसकी लेंथ में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन लेंथ एंड द ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा वो क्या होगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा।
दोबारा समझिए, टेंसाइल में क्या हो रहा था, हम उसको इंक्रीज़ कर रहे थे, मतलब लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या है, उसकी लेंथ डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ वो वॉल्यूम में चेंज होगा। अगर मान लीजिए अभी ये है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस पोजिशन में आ जाएगा और इसके वॉल्यूम में चेंज होगा, मीन्स रेशियो बिटवीन द फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, हम ये कह सकते हैं फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम में भी जो भी चेंज होगा, जैसे अभी ये था, इस पर हमने फोर्स लगाया, अब इसकी कुछ वॉल्यूम है, लेकिन अब इसको क्या हुआ, इस तरीके से फॉर्म में ये हो गया, अब इसकी वॉल्यूम कम हो गई है, तो जितनी कम हुई है दैट इज़ द रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल लेंथ एंड द आफ्टर लेंथ, जो मतलब जो फाइनल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के बीच में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। जैसे यहाँ पर इमेज में शो किया गया है, ये है, इसमें इंक्रीज़ क्या हुई है, लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि आपका किस तरीके से इसमें चेंज हुआ है, ये सभी के सभी स्ट्रेन को शो कर रहा है। और जैसे शियर स्ट्रेन मैंने बताया था, उसमें क्या होगा, एंगल का चेंज होगा, ये है आपका एंगल, ये एंगल चेंज हो गया, इस पर हमने फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, तो पहले ये था इसका, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंज हो गया ये एंगल थीटा का, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया शेयर स्ट्रेन। क्लियर है, तो मैंने आपको बता दिया शेयर स्ट्रेन क्या होता है, इसमें एंगल में चेंज होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बीच में रिलेशन क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।